आज चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो गए हों, लेकिन यह बात सच है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और इन्हीं में से एक है कैंसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया, मैं हूं दीपक। आज हम बात करेंगे एक खतरनाक बीमारी कैंसर की। आज कैंसर की बीमारी को लाइलाज कहना तो गलत है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार आम लोगों की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 2014 को पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की थी कि 7 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के योगदान को उजागर किया जा सके जो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण और रोल मॉडल है और कैंसर से लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है कैंसर। कैंसर आज दुनिया में एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, बस जरूरत यह है कि इसका सही समय पर पता चलना, ताकि समय पर इसका सही इलाज किया जा सके। एक आम आदमी के लिए यह एक लाइलाज बीमारी जरूर हो सकती है, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा होता है। बस अमीर लोग ही इसका सही इलाज करवा सकते हैं। यह हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी अमीरी और गरीबी देखी जाती है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पूरे विश्व में एक समस्या का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बीमारी का इलाज पता करने की जिम्मेदारी ना केवल डॉक्टरों व वैज्ञानिकों की है, बल्कि हम में से हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बीमारी का पता लगा सकें। इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। 2018 में वैश्विक स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले, जिनमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे। वहीं साल 2021 में 26.7 मिलियन लोगों को कैंसर हुआ और 2025 तक ये संख्या 29.8 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल MGB डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम हर एक जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। धन्यवाद।